अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उज़्मा मेर व्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग। मतलब मैंने मॉर्निंग में इतना डार्क मेकअप किया हुआ है, लेंस लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे दिल चाह रहा था इंस्टाग्राम के जो है फ़िल्टर चेक करूं, तो मैंने कहा चले भाई व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। खैर ये बहुत ओवर लग रहा है, कुछ और लगाते हैं फिल्टर। ओके जी, बेटर वे भी फिल्टर लगा पे, क्योंकि सुबह हो रही है और अजीब सा होली हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग ये है कि सुबह उठी तो गैस नहीं आ रही थी, तो नीचे से मैंने आवाहन के लिए लिया आलू का पराठा। तो मेरा भी दिल चाहा और मैंने लिया आलू का पराठा। और आप लोग सोच होंगे मैंने क्या जिम की छुट्टी की है, तो जी हाँ जिम की मैंने की है छुट्टी, क्योंकि आज मेरे आ रहे हैं सास ससुर। तो मैं बनाने लगी हूँ पाए, कवल बनाने लगी है चिकन पुलाव, और बुशरा ने मुझे बताया साग गोश्त, तो वो सब खाएंगे इंजॉय करेंगे। इसके अलावा ये व्लॉग मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इंट्रो नहीं दिया था, तो मैंने कहा चलो इंट्रो देता हूँ और कल का व्लॉग दिखाती हूँ आपको, कि कल जो है मैंने फुल डीप क्लीनिंग की थी अपनी फ्रीज़र की, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से डीप क्लीनिंग की, कुछ चेंजेस किए अपने फ्रीज़र में। और आप लोग जब तक मेरा वो व्लॉग देखें, मैं अपना चाय पराठे इंजॉय करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने आसमान देखना है, जो है देखें कि किस तरह से मैंने कल डिफ्रीजर और फ्रिज साफ़ किया और मैंने चढ़ाए पाए, जाए देखें। कल मैंने सोचा था जिम जाने से पहले बंद कर दूंगी फ्रिज, लेकिन मैं भूल गई, तो आई और देर हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया और सारी बर्फ़ आसानी से मेल्ट हो गई और क्लीन कर ली। इसके बाद ऊपर मैंने ये जितनी भी दही थी वो एक तरफ कर दी, ये पिज़्ज़ा और ये ब्रेड है, और ये टमाटर जो है नीचे ख़राब हो रहे थे तो मैंने ऊपर रख दी है, ठीक है। और दूसरे शॉपर में सारी चिकन आइटम है, पीछे जो है फ्रोज़न मटर वगैरह रखे हैं मैंने, वो मेरी सास कहती है मोटी थैली में रखा करें, और नीचे ये जो बाकी फ्रोज़न आइटम है ये रख दिया। अब ये शीट जो है माइक्रोवेव ओवन की शीट थी जो कि ख़राब हो गई थी, फेंकने वाली थी, फिर याद आया इस पर बिछा लेंगे, तो मैंने इसको बीच से दो हाफ कर दिया और ये ऊपर नीचे ये माइक्रोवेव की शीट बिछा दी, और न्यू मंगवा लेंगे। पवन हैज न्यू स्कूटी। यस यस, अब आज को टूटी थी। हाँ मैंने टूटी भी दे दी। इधर व्हाट इज इन योर हैंड? आयरा दी आई है। आयरा कॉल पे, आयरा की दी आ रही है मैच मिश। हाय आयरा, हाउ आर यू बेबी माय डॉल? आपके हॉर्न सही हुए? आयरा मिस यू सो मच। व्हाट इज दिस? हाँ ओके, एदल आप क्या लाइयो? व्हाट इज इन योर हैंड? स्ट्रॉलर। इट्स योर बेबी स्ट्रॉलर? ओके, योर बेबी नेम इज डोरा? व्हाट्स योर बेबी नेम? डोरा। And what do you have? Aban buy a new scooty. Aban chala ke dikhaiye. Mama. Upar karo ha. Hazel aao chala ke dikhao. Hazel. Aban ka huggy wuggy Aban nahi yahan pe. तो चलिए जी अब पाए पकाते हैं। हम ले आए थे चार पाए बकरे के, और ये कुछ थी हड्डियाँ गुड्डियाँ का, हाफ कुक रात में कर लूँगी और सुबह फिर आधा काम रह जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, एक कप ऑयल ले लिया, उसके अंदर डाल दिया 3 चम्मच अदरक लहसुन के भर के पेस्ट, और इसमें हमारे चार पाए और कुछ हड्डियाँ गुड्डियाँ डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। दूसरी तरफ हमने जो है 1.5 प्याज ली, उसको ग्राइंड कर लिया। अब हमने पाए को इतनी अच्छी तरह अदरक लहसुन में भूनना है कि अदरक लहसुन गायब हो जाए। उसके बाद हमने ये जो है प्याज ग्राइंड की हुई थी ये डाल देना है। वैसे क्योंकि गैस जा रही थी इसलिए मैंने ये झटपट वाला तरीका अपनाया और पाए इतने मज़े के बने, मैं क्या बताऊँ। कि बाद में मैं जिम में भी अपनी फ्रेंड्स के लिए ले गई थी और सबने पाए ट्राई किए, तो सब समझ रहे थे कि ये बड़े के पाए हैं, किसी को यकीन ही नहीं आया कि ये छोटे के मतलब बकरे के पाए हैं और इतने मज़ेदार। तो खैर पाए की तरफ चलते हैं, अपनी तारीफें बाद में और कर लूँगी मैं। तो मैंने क्या किया कि प्याज ग्राइंड करके डाली, ये झटपट इसलिए था कि गैस दम पे आ रही थी और बिल्कुल 11 बजे जाने वाली थी। तो पाए के अंदर मैंने मसाला डाल दिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल दिया 1.5 चम्मच, और लाल मिर्च डाल दी 2 चम्मच भर के, क्योंकि मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे डाले तो ऑलमोस्ट 2 चम्मच थी, और डाल दिया मैंने ऊपर से 1 चम्मच सूखा धनिया, ठीक है, और ये लाल मिर्च और डाल रही हूँ, और मतलब समझे यही मसाले डालने होते हैं, कुछ खास मसाले डालने नहीं है। और इसको इतने अच्छे से मुझे भूनना था, इतने अच्छे से कि मुझे ये डार्क ब्राउन करना था प्याज़ों को, लेकिन चूंकि गैस गैस
तो गैस का मसला कराची में भी हो गया, पहले पंजाब में हुआ करता था। तो बिल्कुल दम पे जो है ये मैं भुनाई कर रही हूँ और कोशिश है कि मेरी बिल्कुल ब्राउन हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने इलेक्ट्रिक कैटल में जो है पानी बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे बॉयल हो नहीं सकता था, और फिर मैंने ये इलेक्ट्रिक कैटल का सारा पानी उसमें डाल दिया। और अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट पंजाब वाली रेसिपी चाहिए तो ये आप जाएंगे पाकिस्तानी मोमिन दुबई, वहाँ पर बुशरा ने नहीं बल्कि शबाज़ भाई ने सिखाई है पाए की रेसिपी, जो कि बेस्ट है, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है वो बेस्ट है। और मेरे पाए कम नहीं बने, बहुत ही मज़ेदार बने, तो वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने पूरा दिखा दिया, पाकिस्तानी मोमिन दुबई इसमें जाएँ, इसको सब्सक्राइब करें, इनकी रेसिपी बेस्ट होती है, ठीक है। और मैं बताना भूल गई, मैंने हाफ कप जो है दही भी डाल दी थी, मतलब पाए में अदरक लहसुन प्याज दही नमक लाल मिर्च हल्दी थोड़ी ज़्यादा, और हमने डाल दिया सूखा धनिया और इसको अच्छे से भून लिया, इतना भून लिया कि ये बिल्कुल ब्राउन हो गया। शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, तो जिसके लिए हमने ऑयल में पाए डाल दिए हैं। रात में जो है गैस चली गई थी, मैंने जैसे ही गर्म पानी डाला एक उबाल आया और गैस चली गई, तो फिर इसको मैंने ठंडा कर लिया और फिर मैं तो सो गई थी। अम्मी ने इसको फ्रिज में रख दिया, अब मैंने निकाला है, इसमें थोड़ा और पानी डाला है क्योंकि इसको हमने गलाना है, अभी गले नहीं हैं, और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और चूँकि मेरी मदर इन लॉ ना स्पाइसी नहीं खाती, इसलिए मैंने मिर्चें कम रखी, थोड़ी लाल मिर्चें और डालनी चाहिए, तो हम चखेंगे बाद में और एक दो पाले आ जाएं, फिर नमक और मिर्चें चेक करके फिर और डालेंगे। तो ये हमारे पाए हैं जो कि पकेंगे, और रात भर जो है ना भीगे रहे, तो अभी से एक चिकनाहट सी आई हुई है। और गैस सुबह नहीं आ रही थी अबान की लंच टाइम पे, तो मैंने चाय बाज़ार से ले ली अपने लिए, और ये पराठे लेकर आई हूँ आलू के, क्योंकि आज मैंने की है जिम की छुट्टी, तो चीट डे भी हुआ ना, तो आलू के पराठे और आलू के ही पराठे अबान को लंच में दिलवाए मैंने, क्योंकि गैस नहीं थी। तो अभी हम इंजॉय करेंगे चाय प्लस आलू के पराठे। तो जी पाए हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं रेडी, थोड़ा कलर नहीं आया तो इसका मतलब है आपको ब्राउन प्याज थोड़ी और डार्क करनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ का बल बना रही है पुलाव मैंने रखी है, चाय फुल तैयारियाँ हो रही हैं, और अबान की होने वाली है छुट्टी, तो अभी चलिए मेरे साथ अबान को स्कूल से लेकर आते हैं और पाए को पकने छोड़ देते हैं, अभी और पकेंगे। गुड रीडर दिखा, गुड रीडर, ओ वाओ। ये जो पैकेट है ना फ्रिज में बहुत बुरे लग रहे थे, इसलिए मैं जो हूँ ये वाली बर्नियाँ लेकर आ गई हूँ, और मैंने कहा है परमानेंट मार्कर से जो है मैं इसका नाम लिख दूंगी और ये पैकेट इसमें पलट दूंगी, ताकि हमें जो है फ्रिज में सेटल्ड हो, ये ना डब्बे गिर रहे हैं, मसाले गिर रहे हैं, आधे खोल रहे आधे डाल रहे हैं। तो खैर मैं 6 बर्नियाँ लेकर आई थी, अभी मुझे ये कम लग रही है तो मैं और जाके लाऊंगी, और इस तरह की लंबी बर्नियाँ मिल रही थी, मैं सोच रही हूँ वो भी लेकर आऊँ। और एक मैं मैदा, एक तरफ कॉर्नफ्लावर और एक तरफ ज्यादा और आटा, मैदा कॉर्नफ्लावर बेसन, तीन वो बनिया थी तो वो ला के रखूंगी, ठीक है। और ये मैंने मसालों की है, तो ये फ्रिज में कॉर्नर पे हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और बाहर मैं अगर ये मैदा मसाला रखती हूँ ना तो मुझे लगता है ख़राब हो जाते, और ये मेरे पास छोटी छोटी स्पून थी तो मैंने कहा चलो ये भी ले आते हैं। तो काम शुरू करते हैं, इसको मैंने ले आई, साफ ऑफ कर लिया, मुझे ये मिली थी पूरी 6 की 6 500 में, डिस्काउंट किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये स्पेशल बॉम्बे मसाला सारा मसाला डाल दूँगी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये बॉम्बे बिरयानी है। मैंने ये वाले कंटेनर्स ले लिए कि ये आपस में जो है ना जगह कम भी हो ना फ्रिज में तो ये लॉक हो जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर भी फिक्स हो जाएंगे, दूसरी बर्नियाँ ना वो गिर जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली चूज़ की। वाली कहती है एक्सपायरी देख के करना, तो खैर हम एक एक पैकेट लेंगे, जब ख़त्म होगा तो नया लाएंगे ना, अभी ख़त्म हो जाएगा नया लाएंगे तो एक्सपायरी नहीं होगी। तो लिख देते हैं हम क्या है ये स्पेशल बॉम्बे बिरयानी। इधर आ जाओ भाई, नेक्स्ट जो मेन चीज है कढ़ाई इसको अपने लॉक कर देंगे। कोरमा
बिरयानी का है हमारा मसाला, अहमद की बिरयानी ये लोग कहते हैं बेस्ट है बेस्ट, ये दुबई वगैरह में यही चलती है। क्या था कोरमा, चिकन टिक्का ज़्यादा होता है तो मैं ये चिकन टिक्का, ये खुला हुआ है तो ये ऊपर डालेंगे, जो खुला हुआ है वो ऊपर डालेंगे, सारे खुले हुए देखा ये पता नहीं चलता घर के काम। देखें ये टिक्का, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो इसमें डालने से पता चलेगा कि हमारा टिक्का मसाला। ये चिकन टिक्का में मैं मिक्स करके रखूंगी तंदूरी मसाला, ठीक है, रंग बहुत अच्छा आता है। इसमें लिख देते हैं टिक्का, चम्मच तो मैंने रखी है। ये देखें ये सारा मैस किस तरह से मैंने इस तरह सबूदगी में कन्वर्ट किया है, ये आप सब भी कर सकते हैं। इस मैस को करें क्लीन और इस तरह से बर्निया लेकर आए बहुत ही सस्ती, और अपने घर को करें सबूत। तो ये देखें मैंने दो दो करके जो है ये बर्निया लगा दी हैं, ठीक है, सारे मसालों की, और बर्निया लेकर आऊँगी और मैं यहाँ लगाऊंगी, बाकी मसाले भी उसमें जाएंगे, तीन तीन वाली भी लगा सकते हैं, ये गिरेगी नहीं, इसका ये फ़ायदा है इस बर्नियों का ना, तो इसलिए मैंने ये वाली ली है बर्निया। और अब ये सारे मसाले इधर आ जाएंगे और एडिशन होती जाएगी, तो बर्नियों की एडिशन होती जाएगी, ठीक है। और नीचे मैं रखूँगी ऐसी ही लंबी बर्निया आ रही थी, जैसे डबल है ना इतनी लंबी, एक सिंगल थी, तो मैंने सोचा वो भी ले लूँगी, तीन का सेट, उसमें एक में मैदा, एक में कॉर्नफ्लावर और एक में रखूँगी क्या रखते हैं और बेसन, और मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं वाटर बॉटल की नीड नहीं होती, डिस्पेंसर में रखते हैं, तो मैं जो मसाले वो यहाँ रखती हूँ। तो कैसा आइडिया है, अच्छा आइडिया ना। क्या खाया अवान, व्हाट इज दिस, अवान को पसंद है या नहीं, ये लो, ये है ना, मैंने थोड़ा सा चने की दाल का हलवा बनाया था, ये इधर ले लो, गोंद, मखान, मम्मा को दो, अखरोट, पिस्ता, बादाम सब डाला था, तो जी जनाब अम्मी अबू आ गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ मकई की रोटियाँ गर्मा गर्म, वो भी असली घी में, बुशरा ने असली घी भिजवाया है, और कवल ने लगा लिया है सरसों के साग को लहसुन का तड़का, और मेरे पाए भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, और मैं ये मकई की रोटियाँ उस तरीके से बना रही हूँ जो मैंने बचपन में अपने अम्मी अबू और फूफियों को करते हुए देखा, कि वो नीचे जो है प्लास्टिक बिछाती थी और उसके बाद मतलब कोई भी शॉपर बिछा के हाथों की मदद से मकई की रोटियाँ बेलती थी, तो मैंने भी वैसे ही किया, और हमारे बहुत ही मज़ेदार से पाए तैयार हैं, बस कलर थोड़ा नहीं आया, तो वो अम्मी कह रही थी, सास कह रही थी कि प्याज को थोड़ा और ब्राउन होना होता तो कलर अच्छा आता, तो कवल ने बना लिया था पुलाव, और जो है ये मैंने बनाया है पाए, बुशरा ने भिजवाया था साग, और ये कवल ने बना लिया बहुत ही ज़बरदस्ती चटनियाँ, मेरे ससुर खाते हैं लाल गोल मिर्चों की स्पाइसी चटनी, तो चले हमारा दस्तरखान लग गया, हम इंजॉय करते हैं। आपने वीडियो अगर इंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।